कविता गुर्जर। टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट इंग्लिश। विच सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इंग्लिश। एंड सब्जेक्ट इंग्लिश में हमारा टॉपिक क्या रहेगा? यूज ऑफ दीज एंड दोज। दीज एंड दोज हम आज काय का यूज करना सीखेंगे? दीज एंड दोज का। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दीज दीज एंड डेट का यूज करना सिखाया था। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जब दीज और डेट का यूज किया था, तो दीज हमने वन ऑब्जेक्ट के लिए, वन थिंग के लिए किया था, एंड डेट का यूज भी हम दूर जो फॉर होते हैं हमारे से और वो वन होते हैं नंबर में, तो वहां पे हम डेट का यूज करते हैं, ये बताया था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दीज का यूज हम पास के लिए तो करेंगे, बट वो क्या होंगे? मोर होंगे, मेनी होंगे। क्या होंगे बच्चों? पास होंगे बट वो ज्यादा होंगे, मेनी होंगे। उसी टाइप से दोस्त का यूज कब करेंगे हम? दूर होंगे लेकिन साथ में क्या होंगे? वो मेनी होंगे, मतलब कि ज्यादा होंगे नंबर में। तो जब नंबर में वन होते हैं और जब कोई ऑब्जेक्ट पास होता है, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं? दीज का, THIS, दीज। एंड जब वही चीजें जब ज्यादा होती है हमारे पास, तो वहां पर THESE, दीज का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। उसी टाइप से जब कोई थिंग ऑब्जेक्ट दूर होते हैं और वो नंबर में वन होगा, तो वहां पर हम काय का यूज कर रहे थे? दैट का। एंड जब कोई थिंग ऑब्जेक्ट दूर होंगे और वो नंबर में ज्यादा होंगे, मेनी होंगे, तो वहां पर हम काय का यूज करेंगे? दोस का। अंडरस्टैंड बच्चों? तो मैं आज आपको इसी डाउट को, इसी प्रॉब्लम को क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। तो स्टूडेंट्स, दीज, दीज का यूज कब कर रहे हैं हम? दीज यूज फॉर मोर देन वन, जो नंबर में वन से ज्यादा होते हैं ऑब्जेक्ट या थिंग इन नंबर एंड नियर टू अस, और वो हमारे नियर होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? पास होते हैं, तो वहां पर हम काय का यूज करेंगे स्टूडेंट्स? दीज का। लाइक यहाँ पर मेनी बॉल है और वो क्या है? नियर है, नियर है, और नंबर में क्या है? मेनी है। तो मैं यहाँ पे क्या राइट करूंगी बच्चों? दीज, THESE, दीज। अब यहाँ पर हम दीज एंड डेट के साथ इज का यूज करते हैं, क्योंकि वो वन होते हैं, लेकिन जब ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पर आर का यूज करते हैं। दीज आर क्या है फ्रेंड्स? बॉल, BALLS, बॉल्स। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? दीज आर बॉल्स। क्या है? दीज आर बॉल्स। उसी टाइप से दोस का यूज कब करेंगे हम? दोस यूज फॉर मोर देन वन इन नंबर एंड फॉर टू अस। दोस का यूज जब करते हैं हम, जब कोई थिंग या ऑब्जेक्ट वन से ज्यादा होती है, मोर देन होती है, तब वहां पर हम काय का यूज करेंगे? दोस का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे स्टूडेंट्स? दोस का। एंड क्या होगा? वो हमारे दूर होंगी, हमारे से दूर होंगी, फॉर होंगी, तो वहां पर हम काय का यूज करेंगे? दोस का, जो क्या होंगी? हमारे फॉर होंगी एंड मेनी होंगी, वहां पर काय का यूज करेंगे स्टूडेंट्स? दोस का। अब यहाँ पर ये क्या ड्रॉ की मैंने? ट्री, वन ट्री है क्या? नो, यहाँ पर बहुत सारे ट्री है, तो मैं इसे क्या बोलूंगी? ट्रीज। तो मैं यहाँ पर सेंटेंस बनाने के लिए क्या राइट करने वाली हूँ? दोस आर ट्रीज। क्या राइट करने वाली हूँ मैं? दोस आर ट्रीज। समझ में आया बच्चों? आगे मैं और इनके एग्जांपल आपको समझाने वाली हूँ, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव मेनी मार्कर्स, आई हैव मेनी मार्कर्स, और ये मेरे नियर है, मेरे पास है, तो मैं क्या बोलने वाली हूँ? पास में थी, तो पास के लिए हमने क्या यूज किया है? अगर वन होगा तो दीस होगा, मेनी होंगे तो क्या बोलेंगे? दीस। तो क्या बोलूंगी मैं? वन होगा तो दीस इज अ मार्कर। क्या बोलने वाली हूँ मैं?
दिस इज अ मार्कर। लेकिन जब यही मार्कर बहुत सारे हो जाते हैं, मेनी हो जाते हैं, तो मैं बोलने वाली हूँ दीज आर मार्कर्स। क्या बोलने वाली हूँ मैं? दीज आर मार्कर्स। अब यही मार्कर्स मैंने मेरे से फार रख दिए, मुझसे फार हो गए, दूर हो गए, तो मैं इनके लिए क्या बोलूंगी? अगर बंद होगा तो क्या बोलूंगी? दैट इज अ मार्कर। लेकिन जब ये बहुत सारे मार्कर मुझसे दूर हो जाएंगे तो मैं इसके लिए क्या बोलने वाली हूँ? दोज आर मार्कर्स। क्या बोलने वाली हूँ स्टूडेंट्स? दोज आर मार्कर्स। तो स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आप देखिए प्लीज। यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए हैं कप। अब ये कप मुझसे क्या है? नियर है। तो नियर के लिए मैंने आपको क्या बताया है? नियर के लिए हम क्या यूज करेंगे? दीज। तो मैं यहाँ पे क्या राइट करने वाली हूँ? दीज आर कप्स। क्या बताने वाली हूँ मैं यहाँ पे? दीज आर कप्स। अब यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए फ्लावर, फ्लावर ड्रॉ किए। अब यही फ्लावर मुझसे दूर है, मतलब कि फार है, तो मैं यहाँ पे क्या राइट करने वाली हूँ? दूर के लिए जब कोई थिंग या ऑब्जेक्ट ज्यादा होते हैं तो हम क्या राइट करते हैं वहां पे? दोज। तो मैं यहाँ पे क्या राइट करने वाली हूँ? दोज आर फ्लावर। क्या राइट करने वाली हूँ मैं यहाँ पे? दोज आर फ्लावर। नेक्स्ट में आएगा वॉटर बॉटल। ये वॉटर बॉटल है। अब ये वॉटर बॉटल मुझसे पास में है, मेरे नियर है। कहाँ है? नियर। तो नियर के लिए मैं यहाँ पे क्या राइट करने वाली हूँ? दीज, दीज आर बॉटल्स। क्या राइट करने वाली हूँ बच्चों में? दीज आर बॉटल्स। नेक्स्ट आएगा आइसक्रीम। मैं एक शॉप पे गई, वहां पे बहुत सारी आइसक्रीम रखी थी, बट मैं मेरी गाड़ी से उतरी और मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारी आइसक्रीम्स रखी है, तो मैं उसके लिए क्या बात करने वाली हूँ? मैं उसके लिए क्या यूज करूंगी? दीज या दोज? दोज। क्यों? बिकॉज वो मुझसे फार है, मुझसे दूर है, तो जब कोई थिंग या ऑब्जेक्ट दूर होते हैं तो वहां पे क्या यूज करते हैं? दोज। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करने वाली हूँ? दोज आर आइसक्रीम्स। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ दीज आर और एंड दोज आर का यूज? अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।